हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में देखा कि हम गैबरडॉन में वापस आ गए हैं और एज यूजुअल हमारी जो प्लांट है जिसका मुझे डर था वो ठीक है, तो हमारे फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा तो वैसे ही हरा भरा है। और आज हम अभी आपको लेकर जाने वाले हैं यहाँ के इस्कॉन टेम्पल और वहाँ पर है 10th anniversary सेलिब्रेट की जा रही है। तो 2 दिन से कीर्तन मेला चल रहा था और तो एक दिन हम नहीं कर पाए क्योंकि पूरे अनपैकिंग वगैरह करना, टायर्ड भी हो गए थे, तो रेस्ट तो आज हम जा रहे हैं कीर्तन मेला अटेंड करने वहाँ पर। और नेक्स्ट डे आपको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने के लिए मिलेगी, तो वो ज़रूर देखेगा अगला व्लॉग भी। तो बस अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ और निर्भय भी रेडी हो गया। मैं निर्भय से मिलवाती हूँ आपको। और निर्भय भी रेडी हो चुका है पूरा कुर्ता शुर्ता पहनकर। ये देखिए कौन आया है। फर्स्ट डे, आपको ही मिस कर रहे थे हम लोग, पता है। रुको अभी लाते हैं आपके लिए, कुछ स्पेशल है। निभे के डैड भी ऑफिस, आज तो ऑफिस से आकर रेडी हो गए। चले फिर, लेट्स गो निर्भय। तो मंदिर जो है ना यहाँ पर वो फेज 2 में पड़ता है, सेंटर ऑफ द सिटी में ही है। वैसे तो हमने अलग से पहले भी बहुत पहले वीडियो बनाई है, बट वो उस टाइम वीडियो क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। तो अभी आपको दोबारा से अच्छे से दिखाएंगे मंदिर को और रौनक ही अलग होगी अभी तो। मतलब ये जो 2-3 दिन है ना, काफी अच्छी रौनक रहने वाली है। और मुझे दूर से दिख रहा है मंदिर और पार्किंग लग बाहर तक गाड़ियां खड़ी हुई है, दिखाती हूँ अभी आपको। देखिए मंदिर का बाहर का पोर्शन है जहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई है और ये फ्रंट एरिया आ जाता है एंट्रेंस इस्कॉन टेम्पल की। क्योंकि कल रथ यात्रा है ना, तो उसकी तैयारी चल रही है, रथ को सजाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी पिकॉक्स हैं, घूम रही है। और ये पूरा प्रमिसेस है, ये देख सकते हैं। और ये एंट्रेंस है यहाँ की और कल की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आज जो है कीर्तन मेला चल रहा है उसकी बहुत ज़्यादा हमें अभी, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ तक आवाज़ आ रही है। और पूरा प्रमिसेस जो है गाड़ियों से भरा पड़ा है, दैट मीन्स अंदर अच्छा खासा रश होगा, काफ़ी लोग आए होंगे और अभी और आने वाले हैं। तो चलिए आपको अंदर की रौनक भी दिखाते हैं। आपको एक बार पूरी मंदिर की परिक्रमा करके भी दिखा रहे थे पूरा। अभी अच्छा डे लाइट है, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो वहाँ उधर से लेकर चलते हैं। कितनी प्यारी सी पिकॉक दिखे रास्ते में, तो पूरा आपको परिक्रमा करके दिखाते हैं। और बहुत सुंदर से मंदिर बनाया हुआ है और एक एक चीज बहुत ही प्यारी है और इतना अच्छे से यहाँ मन भी लगता है। अभी मैं आपको बैक साइड में करके दिखाती हूँ। और ये आप पीछे देख रहे हैं ना, ये ऊपर तक बहुत ही सुंदर फाइन वर्क है। और हमारे पीछे आम का पेड़ है और इसमें पूरे इतने अच्छे से फ्लावर्स आए हुए हैं। थोड़े दिनों इसमें बहुत अच्छे अच्छे आम भी आएंगे। और इधर भी पूरा आम का, पीपल का बहुत अच्छा यार्ड है यहाँ पर बना हुआ। बहुत सारी मोर हैं आपको मंदिर में के प्रमिसेस में बहुत मोर मिलेगी। और मंदिर के नीचे ही ना आपको सात्विक भोजन भी दिया जाता है, वो मिठाई हो, स्वीट्स हो। दिवाली में यहाँ पर मेला लगता है और थोड़ा बीच में भी लगता है एक, जो आप फूड फेस्टिवल की आप वीडियोस जाकर वहाँ देख सकते हो। और सात्विक भोजन तो मिलता है, सेंटर टू सेंटर ब्रेकफास्ट भी होता है, ऑर्डर पर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और बाकी जो यहाँ की जो रौनक है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, उससे जो है ना आप इतना इंडिया मतलब याद नहीं आती तो है, कि मतलब आप मिस नहीं करते वो चीज़ों को जितना हम यहाँ पर पूजा पाठ और इन्वॉल्व रहते हैं ना उतना। आई डोंट थिंक सो कि अगर हम इंडिया में होते तो, क्योंकि वहाँ पे लाइफ भी बहुत फास्ट होती है, यहाँ पर थोड़ा टाइम होता है और लोग बहुत ज़्यादा डिवोशनल हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना।
हेल्प करवा रहे हैं, कोई किचन में लगे हुए हैं। पहले से ही ना इन फेस्टिवल्स की बहुत सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती है, लाइक किचन का हो, साफ सफाई हो, बहुत सारी चीज़ें। और ये यहाँ की किचन है जहाँ पर लोग वैसे ही हेल्प करवा रहे हैं। सारे प्रसादम का टाइम भी लिखा होता है, देखिए जो जो टाइमिंग्स है। और ये जो 10th ईयर तो सेलिब्रेशन चल रहा है ना, तो ये पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। शॉप है जहाँ पर भगवान जी से रिलेटेड सारा सामान मिलता है, तो लोग खरीद भी रहे हैं। जैसे माला वगैरह होती है ना, फोटो गीता वगैरह, वो सब मिलेगा, इवन गोपी ड्रेसेस वगैरह। ये सब प्रसाद ले रहे हैं। ये प्रसादम हॉल है जहाँ पर फीस दिया जाता है।